पहले हमें क्या करना है, ये टाइम फ्रेम को मैंने बताया था कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे, 4 आवर लेंगे मिनिमम जो होता है ना, मैं 4 आवर में एनालिसिस करता हूँ ठीक है। अभी के हिसाब से हमें पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है, तो अभी के हिसाब से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ ना संजीव सर, तो सबसे मेजर जो एक रेजिस्टेंस वन जोन है, ये वाला जोन है रेजिस्टेंस का, दिख रहा है आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। और सपोर्ट की मैं बात करूँ ना, जब भी आपने ऑप्शन चेन वाला जो वीडियो डाला हूँ वो आपने देखा नहीं है, ये होता है डिमांड, ये जो ना डिमांड जोन, पता है आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन बताया था उस वीडियो में, आपने नहीं देखा तो। ये मेरा क्या मेजर सपोर्ट है पता है आपको, क्यों सपोर्ट है कि यहाँ देखो मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, ये मैंने उस वीडियो में बताया है, कंसोलिडेशन फेज होता है, एकुमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, री एकुमुलेशन फेज, ये सब मैंने बताया है। यहाँ भी मार्केट में एकुमुलेट कर रहा है यहाँ पे, मतलब एकुमुलेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बायर सेलर दोनों का मतलब फाइट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी फाइट हो रहा है सेम, तो कहीं ना कहीं ये क्या बहुत मेजर एक सपोर्ट है मार्केट का यहाँ पे। अगर बाय द वे अगर ये सपोर्ट अगर सर टूट जाता है ना, तो अगला सपोर्ट ये वाला होगा, देखो ये वाला ठीक है। और अभी जो जनवरी और फरवरी जो मंथ होता है ना मार्केट में, बजट वगैरह जो आने वाला होता है ना, तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं ना, इनको ये डर लगता है कि कहीं अगर मार्केट में अगर बजट में कुछ निगेटिव आ गया ना, तो मार्केट पूरा क्रैश कर देगा। और इस केस में क्या करते हैं, फाइट या जितने भी अपना पोजिशन लॉन्ग करके बना कर रखते हैं ना ये लोग सारा अपना पोजिशन को एग्जिट करता है इस टाइम में, जनवरी फरवरी में। इसीलिए आप देखना कभी कभी क्या होगा, मार्केट 5,000 पॉइंट भी गिर जाता है इस केस में। अभी हमें अगर बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी है, देखो इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर अगर इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है ना, तो ही अभी बाइंग का चांस बनेगा। ये लाइन देखो यहाँ पे, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है ना, तो ही हमें बाइंग के चांस अभी दे। अभी जैसे मार्केट क्या करेगा, अभी इसके लेवल में जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, सेल कर देगा, और सेल करके गिरा देगा, क्योंकि ये FITI ने बहुत सारा लॉन्ग कर रखा है। ये जो है ना, ये जो इतना मार्केट को ऊपर ले जाने के पीछे पता है कौन है, हम लोग नहीं है, ये रिटेलर नहीं है, ये यहाँ से यहाँ मार्केट जो गया है ना यहाँ पे, ये मार्केट हम लोग थोड़ी ले गए हैं, ये FITI ले गया है, समझो बातों को, यहाँ FITI सारा ले गया है। तो अभी के हिसाब से मार्केट का क्या एक सपोर्ट है यहाँ पे, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। अभी क्या ये प्राइस क्या चल रहा है, 44,000 कितना है, 500 के आसपास, ये है ना देखो इधर, यहाँ देखो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अभी अगर ये मार्केट सपोर्ट टूटता है ना बैंक निफ्टी, तो ये लेवल आ जाएगा, ये लेवल कितना है, 43,000 के आसपास, ये लेवल पे आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। और ये बहुत जल्द ही आने वाला है, अभी देखो अगर बजट में थोड़ा बहुत तो निगेटिव कुछ भी आया ना, तो मार्केट पूरा सेल कर देगा ये लोग ठीक है। अभी तो ये तो मेरा था आपका निफ्टी का, ये निफ्टी बैंक का, आप थोड़ा सा नहीं देखते निफ्टी में क्या होने वाला है, निफ्टी में भी देख लेते एक बार, फिर हम लोग FITI में चलते हैं। देखो निफ्टी में भी यही, निफ्टी में अभी क्या हुआ ना, अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, उतना सेलिंग नहीं है जितना बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आया है, क्योंकि बैंक निफ्टी ना काफी वोलेटाइल होता है पता है ना आपको। अभी के हिसाब से इसमें क्या दिख रहा है, 4 आवर के हिसाब से मैं बात करूँ ना, तो यहाँ भी क्या एक सपोर्ट जोन ये दिख रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से मार्केट, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे, यहाँ कितना बार ये टेस्ट किया है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एक सपोर्ट जोन है। और मार्केट यहाँ तक आएगा ठीक है, एक बार में नहीं आएगा, अगर मार्केट को अगर जाना होगा ना ऊपर, तो इसके ऊपर अगर, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो हम लोग बाइंग साइड चले जाएंगे। अभी इसके ऊपर ये लेवल हमें देखना है, ये नहीं देखना है कि हमें ये कैंडल उंडल नहीं देखना, बस ये लेवल देखो इधर, इधर का जो लेवल देख रहे हैं आप 21,000 क्या है, 500, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये जो है ना हमें ये लेवल को देखना है, ये जो लेवल आप देख रहे हो ना इधर प्राइस चल रही है, ये लेवल देखना है, 21,500 के आसपास ऊपर जाता है मार्केट, तो हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी लेना है। क्यों, क्योंकि अभी क्या है ना, मार्केट यहाँ पे देखो बार बार टेस्ट कर रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, यहीं पे इसी रेंज में फंसा हुआ है मार्केट अभी, तो अगर इसके इसके ऊपर निकालता देख बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन ये अभी बाइंग नहीं आएगा, अभी फरवरी मंथ पूरा वोलेटाइल होता है, फरवरी मंथ में पूरा नहीं आएगा। अभी क्या होगा, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, सभी को दिखाएगा ऊपर साइड जा रहे, फिर ये सेल कर देगा। और अगर आप सेलिंग आती है तो मेरा टारगेट ये होगा, ये ध्यान रखना, 21,000 ठीक है, 20,000 के आसपास ये आ जाएगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम लोग टाइम फ्रेम भी कम करके देख लेते, कम टाइम फ्रेम देखेंगे ना, तो उसमें और क्लियर दिखेगा कि क्या होने वाला है मार्केट में। पहले आपको OI डेटा के हिसाब से ना सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता चलेगा। देखिए अभी के मैंने क्या बताया था, 21,000 डाउन डाउन ट्रेंड दिख रहा है। हाँ डाउन ट्रेंड अभी मार्केट में तो है, मैंने बताया अभी बहुत सेलिंग हो रहा है लगातार, अभी एक सप्ताह देख लो सेलिंग चल रही पूरा, तो सेलिंग होगी तो डाउन ट्रेंड होगा ही मार्केट में। अभी के हिसाब से देखो तो मार्केट एक क्या है, पूरा डाउन ट्रेंड में ही है। देखो यहाँ पे अभी देखो एक मेजर क्या है, ये जो जोन देख रहे हैं आप, ये मेरा एक टारगेट है, अगला टारगेट ध्यान रखिए, अगर मार्केट यहाँ से अगर फॉल होता है ना, तो ये मेरा टारगेट है। ये टारगेट कौन सा आ जाएगा, 21,000 के आसपास है मार्केट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सही आएगा। है अभी अगला टारगेट हमें क्या करना, अगला टारगेट ये पॉइंट रखना है, अभी यहाँ तक आएगा। पहले देखो मार्केट में कभी भी क्या होता है ना, एक ही बार में सेल नहीं होगा मार्केट में, एक बार में अगर 500 करोड़ आपके पास है, तो 500 करोड़ आप किसको बेचोगे बताओ, कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए ना सर,
हाँ धीरे धीरे निकालेगा उसको। वो धीरे धीरे निकालेगा। तो वो जैसे क्या करेंगे, जैसे देखो मार्केट में मैंने बताया था पहले, वो क्या किया मार्केट को इस टाइप का लाया, मार्केट को सबको एकोमलेट किया। एकोमलेट मतलब हुआ कि यहाँ पे सेलर को लाया, बायर को लाया, फिर मार्केट ऊपर ले गया, फिर ऐसे ऐसे एकोमलेट करेगा ये, ठीक है, री एकोमलेट करेगा यहाँ पे, फिर ऊपर लेके चला जाएगा, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम एक्सपेंड करेगा, ये पूरा एक्सपेंड करेगा, ऐसे बहुत टाइम एक्सपेंड करेगा यहाँ पे, अगर ऑल टाइम हाई होगा तभी। उसके बाद फिर क्या करेगा यहाँ पे, फिर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मतलब यहाँ से मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाएगा, फिर ऐसे एकोमलेट, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके एकोमलेट कर देगा ऐसे। अभी देखो यही चीज़ मैंने वो जो वीडियो बनाकर डाला हूँ ना, यही चीज़ आपको मैंने उस वीडियो में बताया है। अभी देखो मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से एकोमलेट किया थोड़ा बहुत, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर एकोमलेट किया, देखो यहाँ पे री एकोमलेट किया यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर किया, यहाँ पे टाइम एक्सपेंड किया, देखो यहाँ पे कितना टाइम एक्सपेंड किया, फिर यहाँ से गिरा, फिर देखो एकोमलेट ये हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देख रहे हो, फिर यहाँ से गिरा, फिर क्या हुआ, यहाँ एकोमलेट होगा, एकोमलेट हो गया यहाँ पे, अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ले जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से एक ही बार फॉल आएगा ऐसे, ठीक है। तो अभी के हिसाब से हमें क्या करना है, ओआई डेटा के हिसाब से ना पूरा अभी हमें इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करना है। अभी मैं बता, ये जो है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये देख लो यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट जब निकल जाए ना, तो हमको बाइंग साइड जाना है, ठीक है। अभी के हिसाब से बाइंग को कभी सोचना ही नहीं है, बस आपको टारगेट रखना है कि हमें सेलिंग साइड जाना है। बस आपको क्या करना है, जैसे रेजिस्टेंस पे एक शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, फिर मार्केट में 20-25 पॉइंट 100 पॉइंट गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट में अभी क्या है, पूरा ये देखो एफआईडीआई ने पूरा सेल कर दिया, मार्केट को भी ट्रेंड लाइन ही पूरा कर रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ भी, लेकिन यहाँ देखो लोअर हाई लोअर बनते चला जा रहा है, ऐसे ऐसे आएगा मार्केट, धीरे धीरे गिरेगा ये, जैसे इधर देखो इधर जैसे बना था हाई लो इसी तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मार्केट एक्युमुलेट होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो अभी के हिसाब से हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं ना, तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है अभी के हिसाब से, ये देखो ये लाइन इधर हो गया सपोर्ट, ये ध्यान रखना, ये अभी मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज में, हाँ इसके ऊपर निकाल देता है ना, इसके नीचे ऊपर निकाल देता है, तो ये लाइन देख रहे हो अब, ये बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसके ऊपर जाएगा बाइंग साइड। अगर बाय द वे अगर ये सपोर्ट टूट जाता है ना, तो अगला टारगेट मेरा ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये सॉरी ये वाला पॉइंट, यहाँ पे यहाँ तक आएगा मार्केट 21,000। अब देखो ना अभी मार्केट क्या प्राइस चल रहा है कंटिन्यू, अभी देखो तो कितना चल रहा है अभी, 21,370 370 के आसपास ये चल रहा है, 400-500 पॉइंट इजली आ जाएगा। अगर बाय द वे अगर ये भी अगर टूट गया ना सर, तो ये समझ गया, तो समझ लो ये फिर 20,000 90,000 तक आ जाएगा ये अगला। मैं ये भी अगला देखो क्या टारगेट होने वाला, अगला भी मैं निकाल देता हूँ आपको भी, 20,800 750 आसपास रहेगी सर। ये वाला, हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला लेवल। और अगर नहीं, देखो अगर देखो, सेवन हाँ सेवन ये फिफ्टी बोला, वो 800 तक आ रहा है। अगर इससे भी अगर नीचे आएगा तो ये लेवल है। देखो सबका एक मतलब मार्केट का एक सस्टेनेबिलिटी होती है, यहाँ तक ये सब सारा कुछ का आपको लेवल को नज़रअंदाज नहीं करना है, सबको देखते रहना है, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट लेवल। अभी के हिसाब से अगर मैं 5 मिनट्स की बात करता हूँ ना, 5 मिनट्स पर देखते हैं मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, अभी मुझे बताएं 5 मिनट के हिसाब से कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है, बताइए। 21 सपोर्ट ले सकता है, आप ये निकल देखो गया अभी के हिसाब से ना सर, ये वाला जो है ना और पूरा ट्वेंटी सपोर्ट वन जो टू है हाँ ना, उधर आएगा, 21 to ये पूरा 50 पे बहुत मेजर लगभग। सपोर्ट है ये मार्केट का, ये देखो बार बार मार्केट इसी रेंज में आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है मार्केट, फिर ऊपर चला जा रहा है, देखो फिर यहाँ पे आया मार्केट, फिर ऊपर चला गया, और ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर मार्केट गया, अगर इस लेवल के अभी ऊपर निकाल देता है ना, इस लेवल के ऊपर अगर निकाल देता है मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड जाएंगे। लेकिन बाइंग साइड ऐसे नहीं डायरेक्ट ऊपर निकला निकाल लेंगे, यहाँ पर जाने के बाद अभी मैंने बताया ना मार्केट ऊपर गया, फिर ऐसे 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 क्या करेगा, ये कंसोलिडेट कंसोलिडेट करेगा, करता रहेगा, कंसोलिडेट मतलब क्या होगा, यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों होता रहेगा, ऊपर हाँ नीचे लेके जाता री रहेगा। एकोमलेशन करेगा। अभी ये क्या है, ये समझ लो कि ये एकोमलेशन फेज है, अब यहाँ पर ये एकोमलेस कर सबको एंट्री होने देगा, फिर ऊपर के लेके चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन बना, तो फिर यहाँ से क्या होगा, गिरा देगा यहाँ से। सही है। अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे सब कंसोलिडेट कर ऊपर की तरफ प्लान होता है ऐसे जाने लगे ना, तो आपको एंट्री लेना है। अगर ये एकोमलेट नहीं कर रहा है, तो आपको ट्रेडिंग में एंट्री नहीं लेना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अभी के हिसाब से मेरा ये क्या हुआ, सपोर्ट हो गया, और ये मेरा रेजिस्टेंस जोन हो गया यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। आगे अभी के प्लान में क्या करना है, इसके ऊपर निकलेगा तो ही करना हमें बाय करना है, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद, ठीक है। ये 21,500 के ऊपर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 20,500 और 450 के भी ऊपर निकालेगा, 450 है ना ये लेवल, ये जोन मार्किंग करेंगे हम लोग, इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग साइड जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मार्केट अगर यहाँ पे अगर साइडवेज नहीं हुआ, यहाँ पे अगर ऊपर गया एक बार लगातार चला गया ऊपर, ऐसे ऐसे पूरा ऊपर चला गया, तो तुरंत तो फॉल हो जाएगा धीरे धीरे, समझ में आया यहाँ पे। अब एक बार थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं, या मिड मिड कैप का देखो, बताइए।
बताइए सर। निफ्टी फिन मारिए सर, सॉरी निफ्टी फिर नहीं आ रहा है इसमें। फिन निफ्टी, FIN फिन निफ्टी। आया क्या देखो तो FIN फिर नहीं आया, निफ्टी आया देखिए फिर फिन निफ्टी निफ्टी नहीं, ये इंडेक्स। नहीं है, ये निफ्टी फिन सर्विस होता है। निफ्टी निफ्टी जो होता है इसमें आया, इसमें यही दिक्कत होता है ना, जल्दी आएगा नहीं, ये निफ्टी फिन सर्विस होता है। निफ्टी फिन नहीं है सर, मरे तो ट्रेडिंग व्यू में आ जाता है, इसमें थोड़ा सा सर्च हो जाता है ना, CN X। सर फिन निफ्टी फ्यूचर्स ही है ना। नहीं, फिन निफ्टी नहीं, फिन निफ्टी फिन सर्विस है, निफ्टी फिन फिन निफ्टी सर्विस। सर्विस देखिए सर एक बार, वो खोल के देखें क्या कह रहे हो? फिन निफ्टी एक बार मारिए, FIN इसमें आ रहा है देखिए फिन निफ्टी बोले तो। फिर निफ्टी भी एक है, फ्यूचर भी है, ये ध्यान रखना। इसमें तो थोड़ा सा ये देखो, यहाँ मिल जाएगा आपको तुरंत, देखो यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ये वाला है ना, नहीं वो नहीं, निफ्टी फिन नहीं F नहीं आया सर। क्या हो गया। निफ्टी फिन फिन निफ्टी मारे सर देखेंगे एक बार निफ्टी फिन FIN। फ्यूचर वाला आ जाएगा ना, नहीं निफ्टी स्पेलिंग गलत है सर, ये FIN। निफ्टी है ना, NIF नहीं, पहला ही FIN का बाद NIT लिखा है ना, उधर ही गलती है स्पेलिंग। FI NIF। और डिलीट कीजिए और दो। हाँ F मारिए इधर, नहीं यहाँ से नहीं आएगा फिर निफ्टी, देखो मैं दिखा, तो यहाँ से तो निकाल मेरे को लेंगे, ट्रेडिंग में आ रहा है। नहीं आ जाएगा वो, आ जाएगा, थोड़ा सा वो सर्चिंग होता है ना स्पेलिंग, यहाँ देखो मैं निकाल देता हूँ अभी एक मिनट, जो धन में निकल जाएगा। निफ्टी फिन सर्विस होता है उसको, निफ्टी फिन बोलते हैं उसको। यस निफ्टी फिन सर, कहाँ आ रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा। चलो मिड कैप एक बार देख लेते हैं इसको, बाद में देखेंगे मिड कैप सेलेक्ट, ये देखो है ना मिड कैप सेलेक्ट, देखो इसको बोलते हैं, देखो मिड कैप में बहुत सारा आ जाता है, मिड कैप में देख लेते हैं अभी क्या है। देखो सर एक बात आपको मैं बताऊंगा, मिड कैप में ना अगर आपको मोटा पैसा बनना है ना, मिड कैप को पकड़ो आप, बहुत मजा आता है ओके। इसमें। क्या होता है ना, ये आपको ना एक ही मिनट में अगर 2 रुपया वाला है ना, 2 रुपया वाला तुरंत आपका चला जाएगा, पता है 20 चला जाएगा। इसका एक अलग ही स्ट्रेटजी है, वो मैं बताऊंगा आपको। और इसमें देखो अभी के हिसाब से क्या चल रहा है इसमें बताइए मुझे, अभी के हिसाब में ये भी देखो, एक देखो तो ट्रेंड क्या है, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव था, दिख रहा है आपको। अभी के हिसाब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है बताइए, ये मैंने 5 घंटे इसमें सपोर्ट ले सकता है 10360 का पास। देखो अभी के हिसाब से इसमें ना पूरा बाइंग हुआ है, देखो अब एक चीज देखना, ट्रेंड हाँ को ऑब्जर्व उधर, करता हूँ, अभी के हिसाब से देखो ये पूरा बाइंग हुआ है, देख रहा है पूरा सपोर्ट को, मतलब क्या है ट्रेंड लाइन को पूरा पॉजिटिव जा रहा है, देख रहे हो अब ट्रेंड जा रहा है। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट के ना, तो सपोर्ट का देखो अभी सपोर्ट इसमें कौन सा है, अभी के हिसाब से ये मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, ये जो लाइन है ना ये बहुत बड़ा वही सर सपोर्ट है, 10350 का पास, उसका ऊपर ही ले सकता है। ये लाइन जो है ना सपोर्ट है यहाँ से, हाँ वो लाइन है, ये यस वो और लाइन रेजिस्टेंस कौन सा जोन होगा मेरा, रेजिस्टेंस के लिए बात करूँ ऊपर। तो ये हाँ वाला, उधर, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, हो गया ना, ये रेजिस्टेंस जोन यस है। यस अभी टेन हम, सिक्स हंड्रेड का अभी हमें पास। देखो अभी क्या करना है मार्केट में, बाइंग कब करना है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन के ऊपर अगर निकल जाता है ना ये, तो हमें बाइंग साइड जाना है अभी। लेकिन अभी के हिसाब से हाँ FIDA का डेटा देखोगे ना, तो इसमें क्या है कि इन्होंने बाई किया है, आप कभी भी किसी वक्त ये सेल कर सकते हैं मार्केट को। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट्स पे लेकर चलते हैं, 5 मिनट्स। अभी के हिसाब से हमारा क्या है, एक मेजर सपोर्ट कौन सा हो गया, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा इनको भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे, हाँ सही है, ये सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो अगला ये बनेगा, ठीक है।
अब बाइंग के अपॉर्चुनिटी जाएंगे तो ये क्या है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया ना सर, ये रेजिस्टेंस। तो अगर उसका मार्केट पहले इधर भी डाल सकते हैं सर, रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे, टेन थोड़ा नीचे, उधर ऊपर थोड़ा, यहाँ पे, ऊपर थोड़ा, उधर उधर, हाँ उधर, तो यही तो है, ले लिया ना यहाँ से यहाँ तक का, हाँ ठीक है, ओके ओके, ये तो पूरा थोड़ा सा टच कर जाएगा। मैंने बताया जोन मार्किंग हाँ हाँ करने के ठीक है लिए, अब ठीक है अगर ठीक है, समझ गया सर, अगर रेक्टेंगल यहाँ पे लेंगे तो फिर वो हो जाएगा ना जोन मार्किंग, इसलिए मैं लंबा मोटा कर दिया हूँ। आप ये ठीक है, मेरा नो प्रॉब्लम, क्या, नो यहाँ प्रॉब्लम, से एक लाइन आप करो ना, ऐसे ऐसे कर रहे, आपका कहना ये, मतलब ये सब सारा उसी में आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर सस्टेन करेगा, एक कंसोलिडेट करके हमें बाइंग साइड जाना है। लेकिन अभी के हिसाब से सही देखो है, ना, तो यहाँ से यहाँ मार्केट में क्या हुआ था उस दिन, सेलिंग हुआ था, फॉल क्योंकि है, फॉल है ये, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फॉल हुआ है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने थोड़ा दिखाया लास्ट लास्ट में, इन्होंने भी क्या क्या बाइंग हुआ है, यहाँ देखो बाइंग हुआ यहाँ से। अभी के हिसाब देखिए ना, पूरा बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ ना यहाँ पे सर, तो बड़ा टाइम फ्रेम में देखना अभी, इसमें भी थोड़ा सा बाइंग मैं, दिखाएगा अभी, हाँ देखो बड़ा टाइम फ्रेम मैं लेता हूँ, वन डे के लेता हूँ या 4 आवर के लेता हूँ, देखो क्या हो रहा है अभी के हिसाब से। अभी इसमें बड़ा फॉल नहीं बाइंग आया दिखाएगा, है ना, बाइंग पूरा है, बाइंग इसमें देखिए अभी के हिसाब से पूरा बाइंग है, देखो यहाँ पे है ना पूरा बाइंग। बाइंग है, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो बड़ा बड़ा रेड कैंडल है ना कहीं ये भी अब टूटने पे आ चुका है, अब ये टारगेट ध्यान रखना इसका, ये टारगेट आने वाला है इसमें। अब ये पूरा क्रैश नहीं हुआ है, ये क्रैश हुआ लेकिन तुरंत सस्टेन कर गया, देखो यहाँ पे अब ये काफी देर व्यक्ति देख रहे हो, यहाँ पे हाई लो हाई लो हाई लो, अब यहाँ लोअर लो फॉर्म स्टार्ट हो गया है, डाउ थ्योरी वाला अभी ये कंडीशन है। सपोर्ट टूट गया तो फिर और बहुत नीचे आएगा सर, 860 8600 के पास आ जाएगा वो, हाँ ये वाला है ना, तो इसके बाद यही इसका सपोर्ट है, ध्यान रखना ये वाला, तो अभी के हिसाब मान देखो। लीजिए ये भी टूट गया, ये टूट गया तो सर ये 9850 के पास टूट गया तो नीचे 8400 के पास आएगा लग रहा हाँ है, वो उधर भी आएगा है, क्या, यहाँ मैं तक आ और नीचे सकता है, सोच रहा था, यहाँ तक आ और सकता है, नीचे एट अगर ये थाउजेंड टूट फोर हंड्रेड गया है तो ना यहाँ बॉटम, देखो हाँ इतना टूट नहीं उधर होगा, ये तक, मार्केट ही क्रैश कर जाएगा यहाँ तक, आने के लिए तो आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कब आएगा, जब ओके 5000 6000 पॉइंट अगर गिर जाता है ना निफ्टी, उस केस में ये यहाँ तक आ ओके जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा इस जोन तक, ओके ओके, आने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता 2000 है। ठीक है, अभी की मुझे ये चीज़ ओके, बताइए, अभी के हिसाब से मार्केट क्या हुआ, हाई लो बनाया, हाई लो बनाते जा रहा है, अब मुझे बता हाई लो बनाया लेकिन यहाँ से लोअर लो कन्फर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया बताइए, क्योंकि ये वाला उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया ना, तो हायर हाई तो कैंसिल हो गया यहाँ से, अब यहाँ से लोअर लो बनना स्टार्ट हो गया, देखो हाई लो फिर हाई लो यस, बनेगा ऐसे ऐसे, तो अभी मार्केट लो में में, जाएगा, हाँ लो में मार्केट जाएगा, गिरेगा इसका, तो अभी यहाँ तक टारगेट है अभी, ये तो आपका इधर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ओ आई डेटा पे, ओ आई डेटा पे दिख जाता है पूरा क्लियर क्या हुआ। चलिए एनएससी का किस, कौन सा लेंगे हम लोग, यही इसका ही लेंगे सर, मिड कैप का, मिड कैप का लेते हैं, चलिए देख के बताइए, मैं नहीं अपना नहीं बैंक देखो, निफ्टी लिया, नहीं नहीं बैंक निफ्टी लिया सर, मिड कैप नहीं लिया, अच्छा एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ है बताइए। वही डेटा के हिसाब से देखिए, पुट साइड जाएगा अभी क्योंकि 3,11,11,000 है कॉल साइड, 2,26,000 पुट साइड है, अभी आपको मैंने, वॉल्यूम वॉल्यूम जा रहा है सर उसमें, अभी मैं समझा रहा हूँ, आपने आज का वीडियो नहीं देखा है फिर आपने, अभी देखो मैं समझा रहा हूँ, पहले समझो अच्छे से, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, आपने समझो तुम, देखो अगर यहाँ पे ना सर, यहाँ देखो ओआई डेटा क्या है यहाँ पे कॉल साइड पे, कॉल साइड जा, हाँ इसको बोलते हैं कॉल राइट, और ये वॉल्यूम हो गया इनका कॉल राइट का, ठीक है यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है आपको पुट साइड का है, और इधर भी क्या हो गया पुट साइड का हुआ है। अगर देखो यहाँ भी वॉल्यूम और यहाँ भी वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखने का है मार्केट में, मतलब कि स्ट्रांग बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है लॉन्ग कर रहा है, सभी लोग बाय करके पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, ठीक है ऐसे समझना बाय किया है। अगर इस केस में आवाज़ आ रही है क्या संजीव सर, आवाज़ आ रही है संजीव सर क्या, और अगर देखो यहाँ पे अगर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है यहाँ से, ठीक है लेकिन यहाँ पे वाई डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे कम है कॉल रेट ज्यादा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अब रिवर्सिबल आ सकता है, लेकिन ये वॉल्यूम जो ज्यादा बढ़ गया ना, तो इससे पता चल जाता है, तो इसके हिसाब से क्या देख सकते हैं सर यहाँ पे कि मार्केट अभी थोड़ा सा पुट साइड अभी आएगा, ये वॉल्यूम से इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग सेलिंग क्या हुआ स्टार्ट हो चुका है। अब इसको क्लियर देखने के लिए ना एफआईडीआई का जब डेटा देखेंगे ना, तो वहां पे पूरा दिखेगा आपको, चलिए एफआईडीआई पे भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं एफआईडीआई ने क्या किया है।